दोस्तों आपकी मेरी और हम सबकी फेवरेट दादर लालगढ़ रणकपुर एक्सप्रेस LHB होने के बाद आज पहली बार डीजल लोकोमोटिव के साथ आएगी बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये ट्रेन एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलती है, लेकिन आज ये पहली बार डीजल लोकोमोटिव के साथ बीकानेर आएगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम इरफान और स्वागत है आपका मेरे एक और ट्रांसपोर्टिंग व्लॉग में। दोस्तों फिलहाल समय हो रहा है 10:38 और रणकपुर एक्सप्रेस के आने से पहले मैं कैप्चर करूंगा ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस को, जो भी हाल ही में LHB डिपो में बदली है, जिसका वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आज ये मेरा दूसरा कैप्चर होगा इसके LHB में बदलने के बाद से। और ये है लोकेशन, सामने से आएगी ट्रेन और बीकानेर से निकलने के बाद ब्रेक टेस्टिंग होगी, उसके बाद ट्रेन एक्सेलरेट करेगी, तो देखना होगा कि यहाँ तक कितनी स्पीड पकड़ पाएगी। वैसे टोटल 15-16 ही कोचेस हैं, तो उम्मीद है कि 80-90 तो पकड़ लेगी। दोस्तों ये गई अपनी 14887 ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस भगत की कोठी शेड के WTP4 लोकोमोटिव के साथ में, और काफ़ी अच्छी स्पीड में अराउंड 90 तो पकड़ ली थी इसने। वैसे उम्मीद भी यही करा था क्योंकि ज़्यादा लंबी ट्रेन है नहीं है। बाकी अब समय हो गया अपनी रणकपुर एक्सप्रेस का, तो देखते हैं अभी वो कहाँ पर है। दोस्तों ट्रेन अभी पहुँची है देशनोक और अभी ऋषिकेश बाड़मेर निकली है, तो शायद तक पलाना पर इन दोनों का क्रॉसिंग होगा, तो लगभग मेरे ख्याल से 15-20 मिनट और लग जाएंगे ट्रेन को जाने में। बाकी अब चलते हैं कर्व की दूसरी ओर, क्योंकि ट्रेन यहाँ से आएगी तो उम्मीद है कि कर्व पे अच्छा शॉट आएगा। दादर लालगढ़ रणकपुर एक्सप्रेस विद साबरमती WTP4 भी निकल चुकी है बीकानेर की, और वो भी एकदम जबरदस्त स्पीड में, अराउंड 100+ स्पीड थी इसकी। वैसे इसमें डीजल लोकोमोटिव क्यों आया, क्योंकि पशो थर्सडे को बीकानेर से इसमें डीजल गया था, जो कि कल फ्राइडे को पहुंचा दादर। और वैसे यहाँ से तो गया था भगत की कोठी शेड का लोकोमोटिव, लेकिन वहाँ से आया जो आज आया है साबरमती शेड का है। वैसे हम उम्मीद तो यही कर रहे थे कि सेम रिटर्न आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मज़े की बात यह है कि कल फ्राइडे को भी यहाँ से डीजल ही गया, जो आज सुबह दादर पहुँच चुका है, लेकिन आज क्या लगता है वो देखना हुआ, हो सकता है कल वापस इसमें डीजल लोकोमोटिव देखने को मिले, बाकी देखते हैं। दोस्तों धूप छांव का खेल चल रहा है और काफ़ी ह्यूमिडिटी है आज, काफ़ी पसीना आ रहा है। वैसे अब समय हो गया है भगत की कोठी जम्मू तवी एक्सप्रेस का, और उसके बाद निकलेगी सूरतगढ़ जयपुर एक्सप्रेस बीकानेर से, और शायद तक दोनों ही ट्रेनों में एल्को लोकोमोटिव है। तो आप देखिए उन दोनों वीडियो को, और मैं आपसे मिलूंगा आप किसी नेक्स्ट स्पेशल व्लॉग में। बाकी वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।